स्टूडेंट्स, टुडे फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एंड अप टू प्रीवियस वीडियो वी सॉ दैट व्हाट कैरेक्टर्स डिड मेंडल स्टडी ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एज यू नो, Gregor John Mendel proposed his two laws out of all his experiments. First one was law of dominance, and second is law of segregation, okay, or law of separation. So in this, the first law of dominance is actually a monohybrid cross, okay. So let us see what monohybrid cross is and how it takes place. देखिए, जहां तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन का सवाल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को बोलते हैं जब हम एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, ओके, अप टू F1 और F2 जनरेशंस, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड इज कंसीडर्ड एट ए टाइम, देन दिस क्रॉस इज नेम्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां हमने क्या देखा कि दो प्लांट्स हैं, दो स्वीट पी प्लांट्स हैं, जिसमें एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, जिसमें से जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और दूसरा जो ड्वार्फ प्लांट है उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। यानी ये दोनों प्लांट्स प्योर ब्रीड के हैं, राइट। दिस इज प्योरली टॉल एंड दिस इज प्योरली ड्वार्फ, ओके। अब जब गैमेटोजेनेसिस होता है, तो आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होगा, ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यू नो वेल। सो ड्यूरिंग दिस गैमेटोजेनेसिस एंड ड्यूरिंग दिस मियोसिस, वन एलील ऑफ दिस पेयर विल रीच अ गैमेट, यानी एक गैमेट में इस पेयर में से एक एलील पहुंचेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए एक पेयर एलील्स कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, लेकिन वो आपस में लिंक्ड नहीं होते, राइट। और एलील्स वो फॉर्म्स ऑफ वो जीन्स के फॉर्म होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की कोडिंग करते हैं। तो इसका ये हो कि अगर एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं कि दो एलील्स होते हैं, ओके। तो इस तरह से हर गैमेट में एक ही एलील पहुंचेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो अब यहां जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी है इसके गैमेट में, और ड्वार्फ प्लांट से स्मॉल टी है। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, क्रॉस कराया जाएगा, तो F1 जनरेशन, जिसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं, फिलियल मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमने क्या देखा कि सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं, यानी मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब इस तरीके का क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स में से किसी एक के जैसी होती है, ओके। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि ये सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे, दे ऑल आर टॉल, तो ये सारे इस पेरेंट से मैच करते हैं, ओके, फिनोटाइपिकली। फिर उन्होंने क्या किया, इसी F1 जनरेशन के इस प्लांट को, दो प्लांट्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फ क्रॉस करा के देखा। अब क्योंकि ये हेटरोजाइगोटिक है, हेटरोजाइगस है, क्योंकि इनके अंदर अब दोनों तरीके के गैमेट्स के जो एलील्स है वो मौजूद है, दोनों जीन्स के एलील मौजूद है, तो इसलिए ये हेटरोजाइगस होने की वजह से इनके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें अब दोनों तरीके के एलील्स के पहुंचने की चांसेस है, संभावना है। तो यहाँ कुछ गैमेट्स में कैपिटल टी वाला जीन पहुंचेगा, कुछ गैमेट्स में स्मॉल टी वाले होंगे, ऐसे इधर भी कुछ गैमेट्स में कैपिटल टी वाला जीन, कुछ गैमेट्स में स्मॉल टी वाला जीन, राइट। अब जब इस तरीके के F1 जनरेशन के दो ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कराया जाएगा, सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो हमने क्या देखा, जो प्रोजेनिस आती है वो F2 जनरेशन के लाएंगे, सेकंड फिलियल जनरेशन। अब सेकंड फिलियल जनरेशन में फिनोटिपिकली हम क्या देख रहे हैं कि आउट ऑफ 4 दिस 3 प्लांट्स आर टॉल और 1 प्लांट इज ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया या फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1, यानी टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:1 का रेशियो है ना। आउट ऑफ 4 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ, ओके। लेकिन
जब इनका हम जीनोटाइपिक स्टडी करते हैं, जब इनका जीनोटाइप स्टडी किया जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक जो था वो स्पेरेंट जैसा है, प्योरली टॉल है, प्योर ब्रीड का टॉल है। दूसरा एक प्योर स्पेरेंट जैसा है जो प्योरली डॉर्फ है, और दो वेराइटीज चार में से मिक्स वेराइटीज है, हाइब्रिड कंडीशन वाले होते हैं जो हाइब्रिड टॉल है। यानी जीनोटाइप का रेशियो इनका देखा जाएगा तो 1:2:1, ठीक है। तो 1:1 का रेशियो जीनोटाइप का रेशियो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का, और फिनोटाइप का रेशियो बनता है 3:1। तो अब ये चीज देख के मेंडल को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। मेंडल ने सोचा कि यहाँ जो करेक्टर जो पूरी तरीके से F1 जनरेशन में बिल्कुल नजर नहीं आया, वो करेक्टर द्वारा F2 जनरेशन में फिर से रिवील हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करेक्टर्स हैं, यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो दूसरे को सप्रेस कर देता है, दबा देता है F1 जनरेशन में। तो जिसकी वजह से वहां वो F1 जनरेशन में वो दूसरा वाला जो करेक्टर था वो वहां पर नजर नहीं आता। लेकिन वही फीचर, वही करेक्टर, वही फैक्टर आगे F3 जनरेशन में फिर अपने आप को प्रकट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सप्रेशन है ये परमानेंटली नहीं है। और इसके साथ साथ जब मेंडल ने इसी F3 जनरेशन के प्रोजेनिस को फर्दर F3 और F4 जनरेशन तक क्रॉस करा के देखा, तो डॉर्फनेस का जो करेक्टर था वो वहां भी नजर आ रहा था। इसका मतलब कि डॉर्फनेस का जो रेसेसिव फीचर है जो यहां दब गया वो रेसेसिव, और जो नजर आया दैट इज डोमिनेंट, ठीक है। तो जो रेसेसिव फीचर है डॉर्फनेस का वो भी कंटिन्यू करता है, यानी दैट इज ऑल्सो एन एक्यूमुलेशन टिल समवॉट जनरेशंस, ओके। तो इस तरह से मेंडल ने बोला, मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर जीन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं एक पेयर एलील्स होते हैं, जो कि दोनों कंट्रास्ट फीचर्स को करेक्टर को गवर्न करते हैं। और इसमें एक करेक्टर के लिए हम एक ही अल्फाबेट यूज करेंगे, उसकी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर फॉर्म और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर फॉर्म उसी सेम अल्फाबेट की यूज कर दी जाती है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इस कैपिटल टी वाले फैक्टर ने स्मॉल टी वाले फैक्टर को दबा दिया, यानी यहाँ पर ये तो इसको इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस इसलिए कहा कि इस तरीके के क्रॉस में जब हम प्योर ब्रीड के ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करा के देखते हैं तो F1 जनरेशन में एक करेक्टर एक जीन सप्रेस हो जाता है, दबा दिया जाता है, और इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन को दबा देता है, तो इसलिए वहां उसका करेक्टर नजर नहीं आता। और उसी तरीके से जब ये फर्दर फिर सेल क्रॉस कराया जाता है F2 जनरेशन के लिए, तब वहां पर वो कुछ परसेंट में 1/4 पार्ट में वो दबाव का करेक्टर जो F1 जनरेशन में नजर नहीं आ रहा था वो यहाँ नजर आता है, यहाँ रिवील होता है, ओके। तो दिस इज हाउ फेनोटाइप रेशियो इज 3:1 फॉर मोनोहाइब्रिड, एंड जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:1 फॉर F2 जनरेशन और इन केस ऑफ पाइसम सेटिवम पी प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मेंडल। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने देखा कि जो फैक्टर्स है उसके थ्रू गवर्न किया जाता है हर एक करेक्टर को, और ये फैक्टर्स पेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन पेयर में वर्क करने के बावजूद भी ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, आपस में पूरी तरीके से फ्यूज नहीं होते, दे रिमेन फ्री, दे रिमेन सेपरेटेड, एंड दिस इज हाउ ड्यूरिंग एवरी जायगोट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एवरी फर्टिलाइजेशन न्यू कॉम्बिनेशंस कैन फॉर्म। यानी हर फर्टिलाइजेशन के दौरान, हर मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के दौरान नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नए चेंजेस आते हैं, और इसीलिए जो प्रोजेनिस हैं वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं आती। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन आप जानते हैं कि म्यूटेशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डायहाइब्रिड क्रॉस एंड सम मोर न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कंप्लीट योर textbook questions up to all these taught topics, write your answers properly, keep yourself safe, stay home, keep watching videos.
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।